देखिए, आज हम लोग चूँकि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया चिंतित है और इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में हम और हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत चिंतित हैं और इसी को लेके एक हाई प्रोफाइल बैठक जिले में आयोजित की गई है, जिले के स्तर पर, जिसमें सभी जेल कुल्हान के अधिकारियों को बुलाया गया है। जेल के अधीक्षक हैं सरायकेला, जमशेदपुर, चाईबासा, फिर टाटा मैन हॉस्पिटल, टाटा मोटर्स, मेडिका या जो भी और हमारी जो भी इस ज़िले में जो बड़े अस्पताल वगैरह हैं। तो चूँकि इसके विरुद्ध में हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए हम लोग अभी से सजग हैं। यदि विपरीत परिस्थिति आई तो उसको हम लोग कैसे करके उस विपरीत परिस्थिति से हम अपनी जनता को कैसे बचाएंगे, इस पर उपाय किया है। तो इसके लिए हम लोग आइसोलेशन वार्ड जो है के लिए सभी अस्पताल जो है अपने अपने स्तर पर, सभी अस्पतालों ने, जैसे TMH ने 20 बेड आरक्षित कर लिया, टाटा मोटर्स ने कुछ किया है, फिर उनको हम लोग मास्क वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर उनको जो है जैसे N95 जो है वो मास्क लगाना है, तो वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो एक हैवोक है कि हर आदमी मास्क खोज रहा है और उसके चलते कालाबाजारी हो रही है, हर आदमी को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग जो सीधे मरीज के साथ संवाद स्थापित करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको सुरक्षा के लिए ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ों पर भी हम लोगों ने चिंता किया है। फिर वेंटिलेटर वगैरह खरीदना है, तो चूँकि आपदा प्रबंधन का भी मैं मंत्री हूँ, तो आपदा प्रबंधन के माध्यम से बहुत सारे वेंटिलेटर मशीन है, वो सब खरीदने का जो है क्रय करने का सब कि हमने इसकी समीक्षा किया। और चूँकि वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड होते थे, होम गार्ड के जवान, वो करीब 400 से ज़्यादा हुआ करते थे, अब उनको पूर्ववर्ती सरकार ने किन परिस्थितियों में उनका जो है सेवा को समाप्त किया है, इसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और समीक्षा करके हम लोग जब देख रहे हैं कि इस तरह की जब जघन्य घटना हुई है, ये बहुत ग्रीवियस क्राइम हुआ है, ये हम लोगों के माथे पर एक कलंक हुआ है और हम लोग इस कलंक को धोने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने इमीडिएट, एक तो हम लोगों ने अपने MGM के अधीक्षक को भी शोकोच किया है, हमारे उपायुक्त के माध्यम से हमने इमीडिएट उसमें शोकोच किया है, और उनका जब जवाब आएगा तब अग्रतर क्या कार्रवाई करनी है इस पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको इमीडिएट पुलिस को बताना चाहिए था, क्योंकि वो वहाँ के इमीडिएट बॉस हैं। तो ये लापरवाही का भी मामला है और ये सरकार लापरवाही के मामले को नज़रअंदाज नहीं करेगी। मैं ये कहता हूँ कि अधीक्षक ने नहीं किया है, लेकिन अधीक्षक का दायित्व क्या है? यदि हमारे सामने कोई कहीं पर हत्या हो जाएगी तो मैंने हत्या नहीं की, लेकिन मेरा मौलिक और मेरी नैतिकता क्या है कि कम से कम पुलिस को हमको बताना है। तो ये काम यदि नहीं हुआ है तो उनके जवाब का हम प्रतीक्षा में हैं, और अभी तक तो जवाब आया नहीं है। मंत्री जी, जवाब जैसे ही आएगा हम लोग बिल्कुल। मेडिका एक अलग विषय है,